हे गाइस, वेलकम बैक टू पल्लवीज हेल्थ पॉकेट। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जो बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। और ये इस रेसिपीज़ बहुत इजी है बनाना और बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो आप कभी भी पार्टीज़ में, इवनिंग में और जब आपके गेस्ट आए तो इसे बना सकते हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कहीं भी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो एक पैन में मैंने सबसे पहले 2 कप पानी ले लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून अजवाइन, जिसे मैंने हाथ से थोड़ा क्रश कर लिया है ताकि इसकी जो खुशबू है अच्छे से आ जाए। अब मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, ये मैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ओरिगैनो, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चिली फ्लेक्स। बस पानी अब हमारा बॉईल होने लगा है, तो मैंने जिस कप से पानी लिया था उसी कप से 1 कप सूजी ले रही हूँ, और इसे हमें धीरे धीरे ऐड करना है और मिक्स करते रहना है साथ ही साथ, ताकि लम्ब्स ना बने। और हमें एक डो टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और देखते ही देखते ये बिल्कुल डो जैसा बन जाएगा, और ये अपनी जो सरफेस है उसे छोड़ने लगेगा, तब आप समझेंगे कि ये हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे काफ़ी गाढ़ी हो गई है और धीरे धीरे इस सरफेस को छोड़ने भी लगा है। बस अब हमारा रेडी है ये डो। तो इसे हमें हल्का ठंडा करना है, पूरा ठंडा नहीं करना है। बस इसे मैं एक ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक मिक्सिंग बोल में, क्योंकि इसमें हमें अभी और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ये 3 पोटैटोज़ को मैंने हाथ से ही क्रश करके ऐड कर दिया है, मैं इसे फुल्ली मैश नहीं करूँगी क्योंकि जो बाइट्स पड़ते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। 1 टीस्पून मैंने क्रश किया हुआ गार्लिक ऐड किया है, और थोड़ा सॉल्ट और ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू पोटैटोज़, हमने सॉल्ट पहले भी ऐड किया था। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, आपको पोटैटोज़ के छोटे चंक्स नज़र आ रहे होंगे। अब एक लेमन साइज़ बॉल लेंगे, और बीच में गैप बनाकर ये मैं प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसका एक क्यूब सा लेकर और इसके अंदर फिल कर दे, और मैं इसे एक सिलेंड्रिकल शेप दूंगी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड या फिर फ्लैट, कुछ भी। तो बेसिकली हमें चीज़ को स्टफ़ करना है, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। वैसे हमारा रेडी हो गया है, एक और मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारा हमारा रेडी हो गया है। अब मैं बना रही हूँ स्माइली। स्माइली के लिए हम थोड़ा बड़ा पोर्शन लेंगे, लेमन से बड़ा, और उसे ऐसे टिक्की की शेप में हम इसे कर लेंगे, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अब मैं इसकी आइस बनाऊंगी। तो आइस के लिए मैंने स्ट्रॉ लिया है, स्ट्रॉ से होल कर दे इस तरह से जैसे वीडियो में दिखाया गया है, और स्पून से मैं इसका जो स्माइली फेस है, स्माइली जो है वो बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। बस इस तरह से हमें सारा स्माइली बना लेना है। अगर क्रैक वगैरह पड़ जाए तो आप उसे हाथ से थोड़ा ठीक कर ले, और थोड़ा मोटा रखे। तो बस हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, बन गया। अब फ्राई करना है हमें। मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम में रखा है, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ही राइट होना चाहिए। अगर आप बहुत लो कर देंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये सूजी का हम बना रहे हैं, इसमें मैंने मैदा वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। और ज़्यादा तेज़ कर देंगे आप फ्लेम को तो ये जल भी जाएगी, और जब तक एक तरफ से अच्छे तरह से क्रिस्प ना हो जाए तब तक आप इसे फ्लिप ना करें, नहीं तो ये टूटने लगेगा। आप देख सकते हैं एक दो हमारा टूट गया क्योंकि मैंने इसे फ्लिप कर दिया था जल्दी। तो बस ये हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ, और इसी प्रोसेस से हम अपनी स्माइली को भी फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से जब ब्राउन हो जाएगा तभी हमें फ्लिप करना है, बार बार फ्लिप नहीं करना है।
बस मैंने स्माइली डाल दिया है और मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो बस ये हमारा रेडी हो गया है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे मैंने गार्निश किया है थोड़े ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और थोड़े से मैंने चीज़ भी ऐड कर दिया ऊपर से, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा दो स्नैक एक ही मिक्स है बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही फटाफट से। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी